तो अब मैंने छोले ला है, अब मैं यही खाऊंगा घर तक। ठीक हो अच्छे से? तू तो फेरी में हूँ, तेरा चलकर नाम मत ले। इस स्कूल में भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पढ़ाई करते हैं। जितने भी हमारे गांव में बाइक राइडर्स है, ऑटो ड्राइवर्स है, इस गली से आते हैं, जब भी इस गली से आओगे तो स्लो बाइक चलाना, स्लो ऑटो चलाना। अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो साइड लेना बहुत ही मुश्किल हो जाए। राइट साइड से कितनी प्यारी नदी बहती है, देखो गाइस। तो गाइस ये देखो आगे बाइक वाला चल रहा है, इसका स्टैंड खुला है। पहुँच गए हम बोल चुके मेन मार्केट में। तो जब मैं वहाँ घर से आया था तो मैं इस रोड से गया था। ये रहा हमारे इलाके का मेन मार्केट यारी पोरा। पहुँच चुका हूँ मैं वापस खड़बनी के मेन मार्केट में। Hey guys, assalamu alaikum everyone. This is your host Ubaid Vlogs. Welcome back to the another vlog and welcome to my YouTube channel Ubaid Vlogs. I hope आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की मर्जी से अपने गांव और घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। सेफ ही होनी चाहिए, Ubaid Vlogs की यही दुआ है। आप लोगों से मैं बात शेयर करना चाहूंगा। आजकल मेरी चैनल बहुत ज्यादा YouTube चैनल डाउन चल रही है, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मेरी चैनल भी ग्रो हो जाए। तो आज आप लोगों के साथ एक और मजेदार व्लॉग शेयर करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहना। अगर आप में से कोई भाई चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे से देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तो चलो मिलते हैं सीधे ग्रुप में, लेट्स गो। आज निकल चुका हूँ मैं अपने घर से, तो यहाँ पे रहा सामने ही ऐसा सब जो कि मेरी पूफी का लड़का है, इसको आप लोग जानते ही होंगे, मैंने इसको बहुत बार अपने व्लॉगों में लाया है। तो अपने गांव के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे गांव में बाइक राइडर्स है, ऑटो ड्राइवर्स है, इस गली से आते हैं, जब भी इस गली से आओगे तो स्लो बाइक चलाना, स्लो ऑटो चलाना, क्योंकि गलियों में बच्चे बच्चे होते हैं। ड्राइव केयरफुली एंड सेव लाइफ। तो चलो निकलते हैं व्लॉग में आगे की ओर। निकल चुका हूँ मैं अपने गाँव से, तो एहसान सर भी मेरे साथ है। आपको पता ही होगा ये ज्यादा हमारे घर में ही रहता है, इसको हमारे घर में नानी हाल है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए अब मैं इसको भी घर छोड़ाऊंगा, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है, इसलिए तो अब इसे घर छोड़ के भी आऊंगा और आप लोगों के लिए एक प्यारा सा व्लॉग भी बनाते है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना है। तो आज भी काफी बढ़िया धूप निकली हुई है, आपको पता ही होगा गर्मियों के मौसम में एक अलग ही लेवल का मजा आता है बाइक चलाने में। ये आप देख सकते हो खुला खुला आसमान, थोड़े थोड़े बादल छाए हुए, मगर धूप भी काफी अच्छी है। और गाइज मैंने YouTube चैनल ओपन की है, तो मेरा ये फर्ज बनता है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करना। वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना, जो बंदा मेहनत करता है किस्मत भी उसी को साथ देती है, बिल्कुल वही बात है। जब मैं मेहनत करूंगा तभी मुझे आगे मेहनत का फल मिलेगा। ये रहा हमारे इलाके का मेन मार्केट यारी पोरा। चल रहा हूँ इस वक्त कुछ इस टाइप के लिंक रोड से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस लिंक रोड के राइट साइड से कितनी प्यारी नदी बहती है। देखो गाइस, इस टाइम मुझे नहाने का मन कर रहा था, लेकिन क्या करे गाइस, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इसमें नहाऊंगा, घर में भी काम रहता है बहुत। इस गांव का नाम है पारी गांव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोड कितना छोटा है, आपने मेरी व्लॉग में ये भी बहुत बार देखा होगा। इस रोड पे तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। ये देखो, अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो साइड लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा गाइस, आप खुद ही देखो कितना छोटा रोड है। पहुंचने वाले हैं मैं रोड पे, आप देख सकते हो आप लोगों के सामने मैं रोड। तो यहाँ से हमें लेफ्ट की साइड से जाना है। तो गाइस हो गए हम मैं रोड पे एंटर। ये मैं रोड लगभग हमें 3 किलोमीटर तक ज्वाइन करना है, और 3 किलोमीटर के बाद हमें फिर से लिंक रोड ज्वाइन करना है एहसान सब के घर तक। ये रहा बोलसू का KPS स्कूल। इस स्कूल में भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पढ़ाई करते हैं। ये देखो गाइस, पहुंच गए हम बोलसू के मेन मार्केट में। तो यहां से हमें सीधे जाना है। पहुंच गए हम तारीगामा। तो मेन रोड हमें यही तक था, अब हमें यहां से लिंक रोड ज्वाइन करना है। ये देखो आ गए हम एक छोटे से लिंक रोड पे। एक तो ये लिंक रोड है और वो ऊपर से देखो मोड़ कितना खतरनाक है, देखो गाइस।
मतलब यू सीधे बन जाता है इस सड़क को यू, देख रहे हो गाइस। अल्लाह ताला की मर्जी से हम सही सलामत एहसान के घर पहुंच गए। ये रहा आप लोगों के सामने एहसान सब। एहसान सब मेहमान फेरे हो कूता फेरी में वन तला चल कर नाल मत में मोइन ते कर तो लगे बनी आ रहे हैं। तो चलो गाइस निकलता हूँ मैं, मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों से गोप्रो में। निकल चुका हूँ मैं एहसान सोप के घर से वापस। तो आप यहाँ से जाते हैं खड़बनी, यहाँ पे भी हमको लगभग 4-5 किलोमीटर इस लीक रोड से ही चलना होगा। तो फिर आगे आएगा फिर से मेन रोड। आगे आ चुका है मेन रोड। ये मेन रोड हमें सीधे खड़बनी में छोड़ देगा। तो गाइस ये देखो आगे बाइक वाला चल रहा है, इसका स्टैंड खुला है। ए मोहतरम ए सिटी अंड आगे है खड़बनी का मेन मार्केट। तो यहाँ पे तो जाम हर साल लगा रहता है और धूल मिट्टी भी काफी होती है यहाँ पे। कपड़े पूरे गंदे हो गए हैं धूल मिट्टी की वजह से और आंखों में भी जाती है। अब मैंने हेलमेट का शीशा डाउन किया है लेकिन कपड़े गंदे हो गए। जाम तो यहाँ लगा रहता है हर साल। और गाइस बाइक पे एक चीज कॉमन है, ज्यादा जाम नहीं देखना पड़ता। ये देखो मैं कहाँ से आ चुका हूँ। और गाइस अब मैं ट्रैफिक वालों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, इस खड़बनी पे ध्यान दो। यहाँ हर साल हर महीने हर दिन जाम लगा रहता है, बहुत दिक्कत होती है गाइस चलने में। देखो जाम कितना है। इतना जाम होता है इस खड़बनी मार्केट में। तो गाइस इस साइड के भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों से, इसलिए मैं खड़बनी विजिट करता रहता हूँ। और खासकर यहाँ का एक सब्सक्राइबर साकिब भाई उसका नाम है, उसकी लाइक कमेंट तो हर व्लॉग पे आती रहती है, इसीलिए मैं खड़बनी विजिट करता रहता हूँ। निकल चुका हूँ मैं यहाँ से वापस। तो इसको बोलते हैं इस गांव को गाठ। आगे आने वाला है खड़बनी का मेन मार्केट। पहुँच चुका हूँ मैं वापस खड़बनी के मेन मार्केट में। तो गाइस मैंने आपको बताया था बाइक पे ज़्यादा जाम नहीं देखना पड़ता है। यहाँ से हमें राइट की साइड से जाना है। और गाइस जितना जाम था कहने की बात नहीं। और गाइस पहुँच गए हम कोइमू के ब्रिज पे। ये रहा कोइमू का ज़ियारतगाह, आप देख सकते हो। पहुंच गया हूं मैं वापस तारीगाम। तो जब मैं वहां घर से आया था तो मैं इस रोड से गया था क्योंकि मुझे धन्य जाना था। तो फिर मैं वहीं से लिंक रोड से गया खड़बनी और खड़बनी से मैं मेन रोड से आया हूं। और गाइस चल रहा था मैं घर की ओर कंटिन्यू। तो अब रास्ते में थोड़ी बहुत भूख लग गई तो अब मैंने छोले ला है, अब मैं यही खाऊंगा घर तक जब तक घर पहुँचते। चल रहा हूँ मैं कंटिन्यू। तो पहुंच गया हूँ इस वक्त एक छोटे से गांव में। इसका नाम मैं अगर आप लोगों को बता दूं तुरीगामा देवबुक। अपनी राइड कंटिन्यू है घर की ओर। देखो कितनी छोटी सड़क है यहाँ पे और मोड़ कितना खतरनाक है, देखो गाइस। आज पहुंचने वाला हूँ मैं अपने गांव में। तो यहाँ पे देखो कितने कितने प्यारे बच्चे हैं। ठीक हो अच्छे से? तो यहाँ पे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर उसमें मिले थे। और ठीक हो?
यहाँ पे और अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ठीको सानिब भाई और मोहसिन भाई, ये सब लोग यहाँ पे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स है। अल्लाह ताला की मर्जी से मैं सही सलामत अपने घर पहुंच चुका हूं। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, पसंद आने के साथ साथ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो आप छोले देख रहे हो, तो मैंने बोला था ना मैं रास्ते में ही खाऊंगा। मैंने सोचा क्यों बेवजह एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, एक हाथ से बाइक चलाऊंगा, एक हाथ से छोले खाऊंगा। मैं तो आप लोगों को हर व्लॉग में बताता हूँ, प्लीज़ ड्राइव केयरफुल एंड सेव लाइफ। तो अब मैं घर पहुँच गया हूँ, अब मैं छोले खाता हूँ। तो चलो, खुदा हाफिज़, बाय।